नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे याद करें, आज हम इसके विषय में जानेंगे। तो आइए साथियों, अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, जिसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर रमेश, रमेश है, ठीक है। रमेश शब्द लिखा, इसके एंड में अंत में जो से है इसमें कौन सा स्वर है? देखिए, इसका वर्ण विन्यास करेंगे तो रे प्लस ए प्लस मे प्लस ए प्लस से प्लस ए। देखिए, ए से में ए स्वर विद्यमान है, से में ए स्वर है, इसलिए जिस शब्द के अंत में ए हो वह अकारांत पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे हम लेते हैं, जैसे श्री गणेश, श्री गणेश लिखा हमने, श्री गणेश का मतलब ऐसे प्रारंभ करना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं कि आज इस कार्य का श्री गणेश किया है, अर्थात ये कार्य प्रारंभ किया है। तो जो श्री गणेश लिखा तो अंत में जो स है इसमें ए स्वर विद्यमान है, ए है, तो ये अकारांत शब्द हुआ और पुल्लिंग हुआ। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम कैसे याद करें, आइए जानते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द यहां पर हम लिखेंगे श्री गणेश, ये मूल शब्द है श्री गणेश, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। यहां एक वचन और द्विवचन और बहुवचन विभक्ति प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति बोले तो किसको बोलेंगे, कर्ता कारक, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे श्री गणेश, श्री गणेश, ये शब्द हो गया प्रथमा विभक्ति एकवचन, श्री गणेश है, जिसको हम कर्ता कारक भी कहेंगे, श्री गणेश। प्रथमा विभक्ति जो पहली लाइन है किसी भी शब्द रूप की, वह कर्ता की लाइन होती है, कर्ता की पंक्ति होती है। श्री गणेश एकवचन, फिर श्री गणेश औ की मात्रा लगाएंगे शे में, श्री गणेश, और बहुवचन में लिखेंगे श्री गणेशा, श्री गणेशा, ये शब्द हमने लिखा, श्री गणेश है, श्री गणेश, श्री गणेशा। इस शब्द को हम याद करेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी शब्द लेंगे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे मोहन शब्द है तो लिखेंगे मोहने, मोहनौ, मोहना, यहां पर विसर्ग ए और यहां पर औ लगाएंगे और यहां पर आ, श्री गणेश के बाद में आ लिख करके विसर्ग लगाएंगे, श्री गणेशाह। तो दोबारा फिर उच्चारण करेंगे, श्री गणेश है, श्री गणेशौ, श्री गणेशाह, ये हमारी प्रथमा विभक्ति हुई, जिसको हम कर्ता कारक भी कहते हैं। कोई भी पुल्लिंग शब्द होता है, जैसे दिनेश शब्द है, दिनेश है, तो इसका जो अंतिम वर्ण है क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूं दिनेश, दिनेश अंत में एस वर्ण है, तो ये भी अकारांत है, तो दिनेश है, दिनेश, दिनेशा। इस प्रकार से हम कोई भी पुल्लिंग अकारांत शब्द लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति बोले तो कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति किसको बोलेंगे, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक और प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। तो द्वितीय विभक्ति में क्या लिखेंगे, श्री गणेश लिख करके मैं लिख देंगे, कैसे, जिसको बोलते हैं अम, तो श्री गणेशम, श्री गणेशम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन, श्री गणेशम,
और फिर समान जैसे यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में द्विवचन श्री गणेशव है, तो द्वितीय विभक्ति में द्विवचन भी श्री गणेशव होगा। ठीक है, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन लिखेंगे श्री गणेशव, श्री गणेशव द्वितीय विभक्ति द्विवचन हुआ श्री गणेशव, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन श्री गणेशान, श्री गणेशान द्वितीय विभक्ति बहुवचन हुआ श्री गणेशान, श्री गणेशम श्री गणेशव श्री गणेशान, दो लाइन याद की हमने। फिर दोबारा से हम देखेंगे श्री गणेश है, श्री गणेशव श्री गणेशः, और श्री गणेशम श्री गणेशव श्री गणेशान। यहां इसमें इसमें क्या अंतर है, ये देखिए यहां पर विसर्ग है, यहां पर मैं यूज किया मैं, यहां पर दोनों समान है, यहां पर श्री गणेशान आन का प्रयोग किया गया है और हलंत लगाया गया। तो दो पंक्ति हमने याद कर ली, श्री गणेश है श्री गणेशव श्री गणेशः, श्री गणेशम श्री गणेशव श्री गणेशान। अब तृतीय विभक्ति जिसको हम करण कारक कहेंगे, तृतीय विभक्ति, पहले प्रथमा द्वितीय विभक्ति हम याद करके फिर लिखेंगे, याद होने के बाद में फिर तृतीय विभक्ति की पंक्ति याद करेंगे। तो तृतीय विभक्ति में देखिए क्या लिखेंगे, श्री गणेशेन, श्री गणेशेन, इस प्रकार से तृतीय विभक्ति एकवचन लिखेंगे श्री गणेशेन। तृतीय विभक्ति द्विवचन में देखिए क्या लिखेंगे, श्री गणेशाभ्याम, श्री गणेशाभ्याम, ठीक है, और फिर श्री गणेश, श्री गणेश, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है, श्री गणेश लिखकर के आई की मात्रा लगाएंगे श्री गणेश, और इसमें श्री गणेश में आभ्याम जोड़ देंगे आभ्याम, तो श्री गणेशेन श्री गणेशाभ्याम श्री गणेश। अब चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में हम आय जोड़ देंगे, श्री गणेश में क्या लिखेंगे, श्री गणेशाय, चतुर्थी विभक्ति श्री गणेशाय, कैसे ये लिखेंगे हम, श्री गणेश इसमें आय जोड़ देंगे, आय की मात्रा लगाई ये श्री गणेशाय, और सेम जो तृतीय विभक्ति द्विवचन में हमने लिखा है वही चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में हम लिखेंगे श्री गणेशाभ्याम, श्री गणेशाभ्याम, ये तृतीय चतुर्थी विभक्ति द्विवचन हो गया। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में क्या लिखेंगे, श्री गणेशेभ्य, श्री गणेशेभ्य, इस प्रकार श्री गणेशेभ्य चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में श्री गणेशेभ्य। देखिए तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या लिखा, श्री गणेश, हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन का मतलब होता है इसमें इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें आई की मात्रा इसमें एभ्य जोड़ दिया, श्री गणेश में क्या जोड़ दिया एभ्य, ठीक है। तो चतुर्थी विभक्ति के शब्द पढ़ेंगे हम, श्री गणेशाय श्री गणेशाभ्याम श्री गणेशेभ्य श्री गणेशेभ्य। अब पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में हम एक वचन लिखेंगे श्री गणेशात, श्री गणेशात, ये पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया श्री गणेशात, और जो द्विवचन है तृतीय चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन समान होगा श्री गणेशाभ्याम, श्री गणेशाभ्याम, ये हो गया पंचमी विभक्ति द्विवचन, और पंचमी विभक्ति बहुवचन भी समान होगा श्री गणेशेभ्य, श्री गणेशेभ्य, पंचमी विभक्ति बहुवचन भी समान श्री गणेशेभ्य। अब षष्ठी विभक्ति, षष्ठी, षष्ठी विभक्ति में क्या लिखेंगे हम, श्री गणेशस्य, क्या लिखेंगे, श्री गणेशस्य, श्री गणेशस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन, यहां पर श्री गणेशयो,
श्री गणेश षष्ठी विभक्ति द्विवचन श्री गणेश यो और षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा श्री गणेशानाम, श्री गणेशानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन श्री गणेशानाम। षष्ठी विभक्ति एक बार फिर हम उच्चारण करेंगे श्री गणेशस्य श्री गणेशयो श्री गणेशानाम। अब सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति मतलब अधिकरण कारक, तो लिखेंगे श्री गणेशे, श्री गणेशे, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन श्री गणेशे। फिर सप्तमी और षष्ठी विभक्ति द्विवचन समान होता है श्री गणेशयो, श्री गणेशे और श्री गणेशेषु, श्री गणेशेषु, ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन हुआ श्री गणेशेषु। अब संबोधन, संबोधन, संबोधन में लिखेंगे हे श्री गणेश, हे श्री गणेश, फिर हे श्री गणेशव, नेक्स्ट हे श्री गणेशा, हे श्री गणेशा, इस प्रकार से संबोधन लिखेंगे। एक बार फिर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, देखिए प्रथमा विभक्ति श्री गणेश है, श्री गणेशव, श्री गणेशा। द्वितीय विभक्ति में हम यहां श्री गणेश के बाद में मैं लिखूंगी श्री गणेशम, अम जिसका होगा एंडिंग अम, श्री गणेशम। फिर प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन समान है श्री गणेशम। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या लिखा, आन, श्री गणेश लिखकर के आन, श्री गणेशा, ठीक है। अब जैसे यहां हमने क्या ऐड किया, एन आभ्याम आई, एन श्री गणेश में क्या जोड़ दिया, एन श्री गणेश, श्री गणेशाभ्याम श्री गणेश, श्री गणेश। इतना याद होने के बाद में हम लिखेंगे, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति देखेंगे, श्री गणेश आए, श्री गणेश में आए हमने ऐड कर दिया, श्री गणेश आए, श्री गणेशाभ्याम श्री गणेश भे, ठीक है। फिर पंचमी श्री गणेशात श्री गणेशाभ्याम श्री गणेश भे, षष्ठी श्री गणेशस्य श्री गणेशयो श्री गणेशानाम, सप्तमी श्री गणेशे श्री गणेशयो श्री गणेशेषु, संबोधन हे श्री गणेश, हे श्री गणेशयो, हे श्री गणेशव, हे श्री गणेशा, ये संबोधन है। अब देखिए तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति, इनमें द्विवचन समान है श्री गणेशाभ्याम श्री गणेशाभ्याम श्री गणेशाभ्याम, ठीक है। तो चतुर्थी में एक वचन देखिए श्री गणेशाय, पंचमी एक वचन श्री गणेशा और षष्ठी एक वचन श्री गणेशस्य, इस प्रकार से हम याद करें, ठीक है। और इसी प्रकार तृतीय विभक्ति बहुवचन श्री गणेश और चतुर्थी बहुवचन और पंचमी बहुवचन समान है श्री गणेश पे श्री गणेश पे, इस प्रकार से याद करेंगे। देखिए श्री गणेश श्री गणेश पे श्री गणेश पे, और यहां पर तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति समान है और एक वचन तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति का एक वचन देख लीजिए श्री गणेश श्री गणेशाय श्री गणेश, ये जो डिफरेंस के आधार पर हम याद करते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। फिर षष्ठी में श्री गणेशस्य, देखिए षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों में द्विवचन समान है श्री गणेश और श्री गणेश, और सप्तमी एक वचन में श्री गणेश और बहुवचन में श्री गणेशेश और षष्ठी बहुवचन में श्री गणेशाना, इस प्रकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जैसे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में श्री गणेशानाम हम बोलते हैं और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में श्री गणेशेषु, इस प्रकार से याद करेंगे। इस प्रकार से याद नहीं करेंगे कि श्री गणेश से श्री गणेशयो श्री गणेशानाम, रटने की विधि न अपनाएं, समझ करके हम याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा कि इस शब्द में
और इस शब्द में क्या अंतर है, यहां पर श्री गणेश से यहां पर श्री गणेश है, ये हम अंतर समझते हुए इन शब्दों को याद करेंगे तो याद हो जाता है। जैसे हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द याद कर लिया तो सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द इसी प्रकार से बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।